तो दोस्तों आपका स्वागत है वापस से WWE 2K18 में। हम लोग कर रहे हैं एक्सट्रीम रूल्स 2018 के प्रेडिक्शंस। आई होप आपको इस पूरे सीरीज में मजा आया। फटाफट लाइक ठोकना ना भूलिए, फॉर मोर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड आपने देखा पिछले एपिसोड में हमने किया था जेफ हार्डी वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। आज हम करने वाले हैं वो होगा हमारा आखिरी प्रेडिक्शन फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप, ब्लजन ब्रदर्स वर्सेस टीम हेल नो। तो आखिरकार रीयूनाइट हो चुकी है टीम हेल नो, केन एंड डैनियल ब्रायन की जोड़ी। ये जोड़ी बनी थी 2012 में, भाई 2012 में ये जोड़ी बनी थी। अब जाके इनका रीयूनियन हुआ है। तो डैनियल ब्रायन का पंगा चल रहा था ब्लजन ब्रदर्स के साथ, लेकिन केन उसकी मदद करने के लिए आया एंड फिर दोनों का रीयूनियन हुआ। दोनों ने फिर दोबारा ये टीम बनाई। अब वो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे जा रहे हैं। तो काफ़ी सारा पंगा चला इस पहले कुछ हफ्तों में। काफ़ी सारी टैग टीम्स इन्वॉल्व हो गई थी, न्यू डे इन्वॉल्व हुई, सैनिटी मेंबर्स इन्वॉल्व हुए, ब्लजन ब्रदर्स लड़ रहे थे, सबके सब मेहम मचा चुके थे। लेकिन इन दोनों का टाइटल मैच सेटअप हो चुका था। तो मेरा मानना है, मेरा प्रेडिक्शन होगा इसके लिए कि टीम हेल नो विल बिकम द न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। आपको क्या लगता है आप लोग बताना जरूर, कौन जीतेगा, ब्लजन ब्रदर्स या फिर टीम हेल नो? आई बटन पे वोट कर सकते हैं आप लोग, नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं मुझको। एंड अब चलते हैं सीधा WWE 2K18 की तरफ, जहां पे टैग टीम मैच सेटअप हो चुका है। फास्ट मोमेंटम, लेजेंड डिफिकल्टी, लेट्स गेट एक्सट्रीम। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक्सट्रीम रूल्स में। टीम हेल नो आ चुकी है यहाँ पे, केन एंड डैनियल ब्रायन की जोड़ी। आई थिंक अब टाइम हो गया कि नया टैग टीम चैंपियन देखा जाए स्मैकडाउन पे। बिल्कुल नई टीम बनी है एंड ये मौका उन पे लाइमलाइट डालने के लिए बहुत अच्छा, उनको नया चैंपियन बना दो। लेकिन उनके सामने है खतरनाक ब्लजन ब्रदर्स, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। इनको हराना वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जाके इनके टक्कर के अपोनेंट्स मिले केन एंड डैनियल ब्रायन की जोड़ी, शायद कुछ कमाल कर जाए। स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप लग चुका है दांव पे, दोनों टैग टीम्स रेडी। एक तरफ डैनियल ब्रायन एंड केन, एंड ये स्टार्ट हुआ हमारा मैच ऑन एक्सट्रीम रूल्स। वहां से एरिक रोवन स्टार्ट करते हुए, क्या किक मारिया डैनियल ब्रायन ने टू स्टार्ट दिस मैच। डैनियल ब्रायन वही बंदा है जिसको लगा था वो दोबारा रेसल नहीं कर पाएगा, लेकिन ही इज बैक इन द रिंग और भी सही। एंड इस बार केन के साथ, अपने पुराने दोस्त के साथ, टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे पड़े हुए। दूसरी तरफ है ब्लजन ब्रदर्स जो कि कमाल कर रहे हैं टैग टीम में, सबको उनने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन यहाँ पे केन अंदर आ चुका है टू डिस्ट्रॉय देम। बहुत ही बढ़िया बिग बूट टू द फेस एंड साइडवॉक स्लैम कन्वर्टेड इनटू अ बैक ब्रेकर। पूरी स्ट्रेटजी हमारे हाथ में, फिर दोबारा अपने कॉर्नर में ले गए। केन आया भागते हुए विद अ बिग क्लोज लाइन, एरिक रोवन को वहीं पे ठंडा कर डाला है। केन डैनियल ब्रायन इतने सालों बाद रियूनाइट हुए, क्या वो केमिस्ट्री जमा पाएंगे एक दूसरे के साथ, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। केन यहाँ पर लगातार बड़े बड़े पंचेस मारते हुए लटका दिया उसको रोप्स पे, एंड रोप्स का यूज करते हुए स्टन गन, एरिक रोवन उछलते हुए दूसरी तरफ। मोमेंटम सारा टीम हेल नो की तरफ, लेकिन बूम एक और बैक ब्रेकर। करारे बड़े बड़े पावर मूव्स, केन से यही एक्सपेक्ट किया जाता है, एंड सुपर पावर स्लैम के साथ वहीं पे निचोड़ डाला है। लुक एट दिस पावर, बिल्कुल कोने में फेंका, भागते हुए एक और बड़ा सा क्लोज लाइन। केन आज बिल्कुल फॉर्म में, ही इज रेडी, द बिग रेड मशीन सबको चित करने निकल चुका है आज के दिन। घुमा के नेक ब्रेकर दे डाला, सिग्नेचर मूव उसके पास, ही गोज टुवर्ड्स द टॉप रोप। व्हाट इज ही अबाउट टू डू, सिग्नेचर मूव उसके पास था लेकिन कूदा सीधा उसके पेट में, फिर दोबारा टॉप रोप की तरफ। केन इस बार सिग्नेचर मूव के साथ रेडी है। यस, उसने टॉन्ट मार दिया है, दी फ्लाइंग क्लोज लाइन एंड सीधा एरिक रोवन के गले में, उड़ते हुए दूसरी तरफ गया है, उड़ते हुए फिनिशिंग मूव लगा दिया उसने। क्या ब्लजन ब्रदर्स की कहानी यही खत्म हो सकती है? चोक स्लैम, चोक स्लैम से कोई नहीं बचा, आराम से पटकते हुए एरिक रोवन को। क्या लूक हार्पर बीच में आएगा? 1-2 बचा लिया लूक ने, और तेरी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे, डैनियल ब्रायन ने गलती से केन को मारा, लेकिन अब सबका सारा डैमेज एरिक रोवन पे, लूक हार्पर पे। घुमा के शाबाश, लूक हार्पर को बाहर कर दिया दोनों ने मिलके। अब एरिक रोवन पे कंसंट्रेट करते हुए, लेकिन एरिक रोवन विद अ ह्यूज रिवर्सल गर्दन पकड़ लिया उसने कोने में केन की।
Bludgeon Brothers भाई ऐसा अपना चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए आए हैं अभी तक. जितने भी लोग जितने भी टैग टीम्स उनके रास्ते में आए सबको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने सही से. अब टक्कर के अपोनेंट्स मिलेंगे. ल्यूक हार्पर बाहर रिकवरी मारता हुआ लेकिन एरिक रोवन अंदर डिस्ट्रॉय करता हुआ केन को. केन अनेबल टू रिवर्सल ऑल ऑफ दिस. आखिरकार डैनियल ब्रायन की तरफ ले गया उसको. डबल टीम मूव यस देखने को मिलेगा यहाँ पे. पकड़ रखा है केन ने एंड असिस्ट करते हुए डैनियल ब्रायन को विद दैट शोल्डर अटैक फ्रॉम द टॉप रोप. एरिक रोवन भागने की कोशिश में था लेकिन डिनाइड बाय डैनियल ब्रायन. जर्मन सुप्लेक्स अंदर आते ये हुई ना बात. क्या काम किया एक दूसरे के साथ. उठ भाई उठ. डैनियल ब्रायन जोश में यस यस की चांस चारों तरफ से. ये पड़ी लात पे लात. यस 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 किक्स की बरसात. ये उड़ाया उसका सर. एरिक रोवन बिल्कुल बेहोश घूम चुका है उसका सर. दूसरी तरफ पटका उसने डैनियल को एंड अब एरिक थोड़ी सी डैमेज करने की कोशिश करेगा. व्हाट एन अपरकट. तोड़ दी उसकी गर्दन. एरिक रोवन भाग नहीं रहा जबकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. उस पर रिवर्सल हुआ. डैनियल ब्रायन ने उसको खींच लिया रोप्स के बीचों बीच एंड उसकी गर्दन पकड़ते हुए नेक ब्रेकर थ्रू द रोप्स. ये हुई ना बात. एरिक रोवन की सिट्टी पिट्टी गोल कर दी यहाँ पे. चार्ज फिनिशर रेडी है हमारे पास. बंदा उठता हुआ क्या संभल पाएगा. भागते हुए आए हम लोग एंड सीधा उसको पकड़ लिया इनटू द यस लॉक. विल ही टैप आउट हियर. क्या बात है क्या फाइट दे रहा बंदा. ओ तेरी बच गया वो यस लॉक से जबकि उसका सर बिल्कुल उड़ा हुआ था. उसका दोस्त उसको बचाने तक नहीं आ रहा लेकिन वो यस लॉक में से निकला. ही पावर्स आउट ऑफ दैट सबमिशन होल्ड एंड एरिक रोवन ने अपनी ताकत दिखाते हुए पटक दिया डैनियल ब्रायन को. क्या जबरदस्त पावर स्लैम था ये तो. छोड़ ही नहीं रहा वो एंड कोने में फेंका उसको. अबे फिर दोबारा अपने टैग कॉर्नर में ले गए एंड आखिरकार टैग मिला ल्यूक हार्पर को. बहुत देर से वेट कर रहा था. ही इज रेडी टू फाइट बैक एंड डबल एल्बो के साथ डैनियल ब्रायन डाउन. ल्यूक हार्पर फटाफट भागते हुए टुवर्ड्स द आउटसाइड स्प्रिंग बोर्ड मूव. किसने सोचा था इतना अजायल होगा ल्यूक हार्पर. स्प्रिंग बोर्ड मूव्स देखने को मिल रहे हैं हमें. टू लेट ऑन दैट. पंप हैंडल पोजीशन में पीछे की तरफ फेंका डैनियल को. डैनियल ने काफ़ी डैमेज ले लिया यहाँ पे. केन को ढूंढता हुआ लेकिन टैग हैज बीन डिनाइड अगेन एंड अगेन. ल्यूक हार्पर उसको भागने नहीं देगा कुछ भी हो जाए. ये तोड़ा उसने हाथ. सिग्नेचर मूव उनके पास है. मोमेंटम अचानक से ब्लजन ब्रदर्स के पास चला गया एंड टू केबल फेंक गया. ल्यूक हार्पर की ताकत अनमैचेबल. यहाँ पे क्या मारा उसने. डिस्कस क्लोज लाइन. डैनियल ब्रायन आउट. 1-2 लेकिन केन ने बचा लिया. रेफरी बेहोश हो चुका है. यहाँ पे कमबैक मारा दूसरी तरफ लेकिन ल्यूक हार्पर ने हमें फेंक दिया. ये हो क्या रहा है यहाँ पे. चारों तरफ ऐसी बड़ी बड़ी फाइट चल रही है. ल्यूक हार्पर के मुंह पे लात. कमबैक वेस्ट होता हुआ हमारा. कम ऑन कोने में ले चल इसको. कमबैक नहीं लग पाया. बहुत ही बुरा हुआ ये कमबैक वेस्ट होता हुआ डैनियल ब्रायन का. लेकिन कूदते हुए फ्रॉम द सेकंड रोप. व्हाट अ पावर बॉम्ब. जोश खत्म नहीं हुआ डैनियल ब्रायन का अभी तक. ले भाई मुक्का. मुक्के पे मुक्का. रोप्स पे लटका दिए. ल्यूक हार्पर ने किया रिवर्सल एंड उठा के डैनियल को दूसरी तरफ. पावर है भाई बंदे में पावर है. सर को इसने धो डाला यहाँ पे. ल्यूक हार्पर अभी भी काफ़ी सही एनर्जी के साथ लड़ता हुआ. रिवर्सल आया डैनियल ब्रायन की तरफ से एंड भागते हुए सीधा छाती पे लात. डैनियल ब्रायन रेडी एक और बार सिग्नेचर मूव के साथ. अबे एनर्जी नहीं बची है. ल्यूक हार्पर का एक सुपर किक टू द फेस. डैनियल ब्रायन भागने की कोशिश में. ल्यूक हार्पर एरिक रोवन चारों तरफ से उसको घेर चुके हैं. ये क्या अचानक से पकड़ लिया उसने हमको भागते भागते. बहुत बुरी हालत है अब तो. सबके सब रेसलर्स अपना सब दे चुके हैं. सब थके हैं सब लाल हो चुके हैं. ल्यूक के पास सिग्नेचर मूव. दिस इज वेरी बैड. उसका अटैक मिस हुआ एंड डैनियल ब्रायन ने मारा उसको दूसरी तरफ से. कॉर्नर फिनिशर लगा दिया. कैन ही डू दिस. यस
Yes, yes, here comes the running knee strike, seedha uski chhati pe. Eric Rowan disturb karne ki koshish mein. Boom! Mukka mara usko. Luke Harper pe pin fatafat. One, two, lekin he somehow kick out marta hua usme se. Aakhirkar Kane andar aata hua. Wo hi lagta hai finish kar payega aise powerhouses ko to. Bahut hi tagda spine buster andar aate hi. Luke Harper ki batti gol ho chuki hai after that knee strike. And fayda utha raha hai Kane. Yahi to baat hai tag team ki. Kaise capitalize karoge dono ke dono milke. Aakhirkar Luke Harper with a reversal bhai. Bahut hi acha counter attack tha. Eric Rowan to niche hi pada hua hai after that attack. उसने सर दबोच लिया यहाँ पे. ओ तेरी गेटर रोल के साथ यहाँ से वहाँ घुमाता हुआ केन को सर पकड़ लिया उसने. छोड़ भाई पूरा प्रेशर यहाँ पे गर्दन पे आता हुआ. न्यू खापर थोड़ा सा टाइम निकालते हुए सिग्नेचर मूव उसके पास है. उसने मुंह पे मारा एंड लगा दिया आराम से. केन को उठा के पटका है उसने. क्या पावर है. गोस वाला पेन. वन टू बचा केन. इतनी आसानी से गिव अप तो कोई नहीं करना चाहता यहाँ पे. एरिक रोवन बैक ऑन हिज फीट अपने कॉर्नर में आ चुका है. फिनिशिंग मूव लूक हार्पर के पास अपने कॉर्नर में ले गया वो. केन माइट बी इन ट्रबल एंड टैग फिनिशर लगा दिया है दोनों ब्लजन ब्रदर्स ने. सीधा एरिक रोवन के पास दोनों असिस्टेड पावर बॉम्ब के साथ. दे भाई गए काम से. डैनियल ब्रायन कूदते हुए आया एंड उसने पूरा काउंट यहां पे ब्रेक किया. क्या सेव था डैनियल ब्रायन की तरफ से. केन को दोबारा उठना पड़ेगा. मुंह पे लात पड़ी. एरिक रोवन के पास फिनिशिंग मूव आ गया. ओ बत्तेरी सर फोड़ता हुआ तो. ओहो बड़े बड़े हेडबट्स. केन बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है भाई. एंड रोक लिया उसने फिनिशिंग मूव यहाँ पे. फिनिशर उल्टा कर दिया है. Tombstone pile driver. Eric Rowan के ऊपर कोई भी रिंग के आसपास नहीं. Goes for the pin. Come on referee. 1, 2, 3. We have a new champion. Team Hell No. नए SmackDown Tag Team Champion बन चुके हैं. Bludgeon Brothers ने बहुत tough fight दी लेकिन ये team is back. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. ये था आज का एपिसोड. और भी टैग टीम मैचेस है जैसे कि मैट हार्डी एंड ब्रे वॉयट अपना रॉ टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेगी अगेंस्ट द बी टीम. उधर मुझे लगता है कि बी टीम भी नई टैग टीम चैंपियंस बन जाएगी. एंड न्यू डे वर्सेस सैनिटी टेबल्स मैच है उनका एक्सट्रीम रूल्स किक ऑफ में. तो उधर मुझे लगता है कि सैनिटी मेंबर्स विल विन दिस टेबल्स मैच. आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना. आपको इसमें क्या लगता है क्या होगा कौन जीतेगा टीम हेल नो या फिर ब्लजन ब्रदर्स. कमेंट्स में बताइए. आई बटन पे वोट करिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर. लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.